आप लोग कारीगर हो, ये कढ़ाई में चढ़ाते हो? हाँ। कितना देर लगता है रबड़ी उतारने में? एक बार में ये क्या है? डीजल। हाँ डीजल। डीजल ये डीजल से चलता है? ये आगे मोटर है। अच्छा ये लगाया आपने? हाँ ये लगा के बाय वाली। अच्छा ये डीजल। अच्छा डीजल का गैस जाता होगा प्रेशर से ना? ठीक है। डीजल खरीदता हूँ, डीजल पे बन रही है रबड़ी। क्या खोलेंगे? डीजल आएगा इसमें? खोल के देखें थोड़ा सा। अच्छा तो ये क्या है? सारे में एक साथ चढ़ा देते हो? पहले दूध इसमें आता है? छह वटियाँ चलती रहती हैं। कोई तो आता नहीं का सारी रोटी वहाँ पे दुकान। क्या नाम है आपका? संजय। आप कारीगर हो? संजय जी रबड़ी बता दिए हैं कैसे बनता है, देख नहीं पाए हैं। मोहन बोल रहे हैं कि देखना हो गया। देखना नहीं खाना। मोहन जी आओ जल्दी आ रहे ना, यही मोहन के चक्कर में लेट हो गया हमको, इनके चक्कर में। हाँ हम ही तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो अभी मोहन जी बता दिए हैं, तो अब मोहन जी थोड़ा सा परेशान हैं कि सर खाने वाला कर लिया जाए कार्यक्रम, वो जरूरी है। दुकान पे चले मोहन, इजाजत है? अरे तो अभी मैं कैमरा पकड़ो, मैं जा रहा हूँ दुकान पे। आपकी रबड़ी के बारे में किस्सा मशहूर है कि अटल बिहारी वाजपेयी और योगी आदित्यनाथ बहुत पसंद है। नेता भी ले आ चुके हैं। रबड़ी साहब बहुत कहीं बनती नहीं है रबड़ी, पहली बात तो क्वालिटी यही बनती है रबड़ी, और काफी दूर दूर तक गई है। नेता लोग काफी आते हैं यहाँ पे। अच्छा जब मेरा लगता है दाऊ जी का काफी फिल्म स्टार आ चुके हैं। दाऊ जी महाराज जी का मंदिर है, मेरा लगता है काफी फिल्म स्टार आ चुके हैं। अब आए काफी फिल्म स्टार आ चुके हैं। कौन कौन फिल्म स्टार आया है? लखा जी भी आ चुके हैं। लखा जी भी आ चुके हैं। लखा? हाँ लखवीर सिंह लखा जी। अच्छा जो देवी गीत गाते हैं प्यारा सजाए तेरा पे, देवार भवानी वाले? हाँ जी। हाँ और तुम्हारे शेफाली जी भी आ चुकी हैं। शेफाली जो डांसर हैं वो भी आ चुकी हैं। काटा लगा वाली? हाँ जी दो तीन बार आ चुकी हैं। काटा लगा वाली। अच्छा और काफी भजन गायक भी अच्छे अच्छे आ चुके हैं। दुर्गेंद्र अग्रवाल जी आ चुके हैं, भैया किशन दास जी आ चुके हैं, बाबा रस का पागल जी आ चुके हैं। इस बात पे कितनी सच्चाई है कि योगी जी की आपकी रबड़ी जाती है अनोलाला की? हाँ यहाँ के चेयरमैन साहब हैं वो भी ले आ चुके हैं रबड़ी, वो मिट्टी की मल्लिया में ले आ चुके हैं। अच्छा ये मिट्टी की मल्ली आती है जो स्पेशल मंगाई जाती है उनके लिए। ये है रबड़ी आपकी? हाँ जी रबड़ी क्वालिटी है। आकर देखिए, खाते हैं खाएंगे तो है। लेकिन ये बताइए कि मिला जुला के कुल क्या कितने किलो बनती है रोज? कोई अंदाजा नहीं है कभी भी, अंदाजा नहीं लगाया ना, फलती रहती है, डिमांड अच्छी है। ठीक है और क्या भाव है? 260 रुपए की। 260 रुपए किलो। और इतना जो मैं खा रहा हूँ इसका कितना दाम होगा? ये लगभग 100 ग्राम है, 26 रुपए। और ये क्या डाला ऊपर? ये इलायची पड़ी हुई। इलायची पड़ी हुई है? टेस्ट के रूप में डाली जाती है, मेवे के रूप में डाली जाती है। मेवे के रूप में? हाँ। अच्छा और ये मोहल्ला कौन सा है राजेश जी? नयागंज। नयागंज कहते हैं जी? नयागंज बाजार का नाम है जो बाजार है। त्योहार में ज्यादा खींच जाती होगी? त्योहार में काफी डिमांड रहती है, डिमांड बहुत। मतलब बनारस में जो रबड़ी मिलती है हमारे यहाँ तो थोड़ी गाढ़ी होती है, वो बड़ा मिला देते हैं। यहाँ केवल दूध की बनती है और कुछ नहीं इसके अलावा। दूध चलाते जाओ? बिल्कुल हाँ। तो बनारस में जो बनती है मोहन जी वो खाइएगा, थोड़ी सी गाढ़ी मिलेगी आपको। ठीक है हाँ।
ये वाली थोड़ी सी। तो अभी लास्ट वाला हमारा बनारस ही है, तो खाते हुए आएंगे। हाँ खाते हुए आएंगे, तो आप ही खिलाएंगे ना? हाँ हाँ खिलाएंगे एकदम खिलाएंगे, ठीक है। चैलेंज मत दीजिए, तुम्हें उसको अपने जो भी बोल लीजिए, उसके बाद कैमरा बंद होने कैमरा बंद होने के बाद में अपने व्हाट्सएप पे जो क्या कह रहे हैं कैमरा बंद होने के बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। कैमरा बंद होने के बाद आपको बताऊंगा सब तमाम कहानी है ना, ठीक है। तो दिखाइए आप दुकान, एक सेकंड दुकान दिखा दीजिए आप मोहन जी, खन्नो लाला की रबड़ी और नयागंज में दुकान है, रबड़ी में इलायची का जो गुड़का डाला इन्होंने वो पहली बार हमको मिला है। 26 रुपये इस समय का दाम है, मेरे ख्याल से लगन मगन में दूध का दाम ज़्यादा होता होगा तो उस हिसाब से बदलता होगा दाम, नहीं लगभग तो ऐसा ही रेट रहता है, लेकिन थोड़ी बहुत महंगाई तो आती है, जैसे कि पेट्रोल के दाम भी तेजी है, डीजल के दाम भी तेजी है और लेबर भी बढ़ती है हर साल, तो थोड़ा बहुत महंगाई होती है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं आता, ज्यादा अंतर नहीं आता। त्योहार और दिवाली के समय नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो रेट होगा वही लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि त्योहार पे ज्यादा डिमांड होती है तो ज्यादा दाम बढ़ जाता है ना। हाँ दूध का बढ़ता है तो सोवाए के बढ़ जाता है रबड़ी का। अनु लाला की रबड़ी इसके बारे में किस्सा है, अटल जी भारत के पूर्व पीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी को ये रबड़ी बहुत फेमस पसंद थी, योगी जी के लिए जाती है रबड़ी, ये भी कहानी और खबरें चलती हैं। आइएगा तो आप लोग भी बढ़ाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेकिंग वाला ये वीडियो, मोहन जी तो लगा ही चुके होंगे कि बनने बनाने का तरीका लगभग क्या है, पूरा नहीं बोला है लगभग बोला है यार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।